यू ऑल, माय नेम इज लामी नसीम, यू आर वाचिंग टारगेट आईडियाज। सो आई होप आपको प्रीवियस जो मैंने गेट के क्वेश्चन सॉल्व करे वो आपको पसंद आए होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कुछ अलग से नहीं है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ही कई बार पूछ लेता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ पर होगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपका शेयर फोर्स डायग्राम रिवीजन होगा, पेंडिंग मूवमेंट डायग्राम रिवीजन होगा, प्लस आप ये टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लोगे। ओके, चलिए सबसे पहले डेफिनेशन को लिख लेते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर के पहले मैं आपको बताती हूँ, कॉन्ट्रा मीन्स होता है अपोजिट। ओके, कॉन्ट्रा मीन्स क्या होता है? अपोजिट, ठीक है। फ्लेक्चर मीन्स क्या होता है? इट मीन्स बेंडिंग। फ्लेक्चर मतलब क्या होता है? बेंडिंग, और कॉन्ट्रा मतलब होता है अपोजिट। ओके, अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स नेचर, चाहे आप नेचर बोलिए या साइन, इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। ओके, तो ये डेफिनेशन होती है जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हो, जहां पर वो अपनी साइन चेंज करता है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव अप साइड से नेगेटिव डाउन साइड में जाता है। सो जस्ट लाइक आपने क्या करा, इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से आया, यहां पर उसने साइन चेंज करा और फिर आके यहां पर आके मिल गया, ठीक है। यहां पर उसने साइन चेंज करा और यहां पर आके ये पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका हो गया। तो जहां पर उसने साइन चेंज करा, पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इज नेचर ऑफ साइन, वो हमारा कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ओके, एक डेफिनेशन इसकी और है, उसको भी आप समझिए। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट एट विच सैगिंग एंड हॉगिंग मीट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पीओसी। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो जहां पर सैगिंग हॉगिंग में आपको समझा चुकी हूँ, इस तरीके से अगर बीम बेंड हो रही है तो सैगिंग है, और इस तरीके से बीम बेंड हो रही है तो दैट इज कॉल्ड हॉगिंग। ओके, तो जहां पर सैगिंग एंड हॉगिंग मीट करते हैं उस पॉइंट को भी बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। परेशान एकदम मत होइएगा, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ कि कैसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फाइंड करते हैं, और एक्चुअल में हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि कहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होना चाहिए। ओके, देखिएगा कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ये क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ओके, डिस्टेंसेस सारी दे दी है। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को तो ड्रॉ करेंगे ही, उसको फिर से रिवीजन करेंगे उसका, साथ ही साथ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को डिटेल में समझ लेंगे। ओके, मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोर्ट पे रिएक्शन निकालनी है। देखिए, एक सपोर्ट आपका ए पे दिया है और एक सपोर्ट हमारा कहाँ पे दिया है, ई पे दिया है। तो चलिए सबसे पहले सपोर्ट पे रिएक्शन निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिएक्शन एट पॉइंट ए प्लस रिएक्शन एट पॉइंट ई, दो पे सपोर्ट है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाओगे तो ए पे और ई पे सपोर्ट, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है देखिएगा जरा। अगर आप टोटल डाउनवर्ड फोर्स देखोगे तो 1200, ये किस पे लग रहा है, सिक्स पे। तो 1200 इंटू सिक्स प्लस 1000 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसको भी ऐड कर दीजिए प्लस। अब देखिए इसका आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल लोड निकालना पड़ेगा। टोटल लोड क्या होता है, एरिया ऑफ लोडिंग, लोडिंग डायग्राम जो है उसका एरिया होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका टोटल लोड निकालते हैं। तो टोटल लोड क्या होगा, ये ट्राइंगल है 1/2, बेस कितना है 2 + 4 = 6, इंटू हाइट कितनी दी है 900। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल लोड यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 2700 न्यूटन। ओके, तो ये टोटल लोड हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ऐड कर दिए 2700, तो कितना आ गया 10900।
ये कितना आ गया 10,900 न्यूटन, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, मोमेंट लेना, तो मैं क्या करती हूँ ए पे मोमेंट ले लेती हूँ, तो मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो। अब जब आप ए पे मोमेंट लोगे तो बाकी डाउनवर्ड डायरेक्शन के मोमेंट तो नेगेटिव मिलेंगे, बट रिएक्शन एट आर ही आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट से डायरेक्शन पॉजिटिव होता तो कितना हो जाएगा, रिएक्शन एट आर ही इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 10, ओके 10 माइनस 1200 × 6 और कहां पर लगेगा, मिड पे लगेगा यानी 3 पे लगेगा, तो ये कितना हो गया 1200 × 6 × 3 माइनस 1000 × कहां पे लग रहा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से 4 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फिर माइनस ये कितना टोटल लोड निकला 2700 × इसकी डिस्टेंस क्या होगी, अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से 12/3 पे लगेगा, तो 12/3 यहां से कितना होगा 2, लेंथ कितनी है 6/3, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 यानी 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 4 = 12 = 0। यहां से जब आप रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ई पे निकालोगे तो आपके सामने सॉल्व करते हैं सर कितना आएगा देखिएगा 1200 सारी निगेटिव वैल्यू को हम लोग इधर ले गए पॉजिटिव हो गई है इंटू 18 प्लस 4000 क्योंकि 4 × 1000 = 4000 प्लस 2700 × 12 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ जाएगा 5800 न्यूटन आ गया रिएक्शन एट पॉइंट ई। अब जब आप ये रिएक्शन यहाँ पे पुट करोगे तो आर का रिएक्शन कितनी मिलेगी, रिएक्शन एट पॉइंट ए 10900 - 5800 कितना बचेगा 5100 न्यूटन। तो ये हमारी आगे रिएक्शन फोर्स, अब जैसे रिएक्शन फोर्स आपको मिल गई आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बट जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या करा था, सारी चीजें आपको माइनस प्लस पे दिखा के करनी थी, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसको आप। ए पे जब आप देखोगे तो ए पे क्या आ रही है, रिएक्शन आ रही है, तो आपको दो शेयर फोर्स देखने पड़ेंगे, एक ए माइनस पे और एक ए प्लस पे। देखिएगा जब आप ए माइनस पे देखोगे तो आप थोड़े इधर शिफ्ट हो जाओगे तो इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहे, तो ए माइनस जीरो मिलेगा। जब आप ए प्लस देखोगे तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में आर ए रिएक्शन दिख रही होगी जिसकी वैल्यू कितनी है 5100, तो वो यहाँ पर कहीं पर मिल जाएगी और आपकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5100 न्यूटन। हम कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। अब बी पे आ जाते हैं, जब आप बी पे खड़े होंगे तो बी पर भी एक लोड लग रहा है 1000 न्यूटन का, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखना है, बी माइनस देखना है और बी प्लस देखना है। जब आप बी माइनस देखोगे तो ये लोड कंसिडर नहीं होगा, तो कितना मिलेगा आपको देखिएगा, टोटल अपवर्ड फोर्स आ रहे 5100 माइनस ये कितना है 1200 × 4 की डिस्टेंस 4 है, तो 1200 × 4 तो कितना मिल गया 300। तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, आप नीचे चले जाओगे, आप कैसे जाओगे नीचे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो शेयर फोर्स डायग्राम लीनियर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोला, तो यहाँ से हम ऐसे लीनियरली जाएंगे और वैल्यू कितनी मिलेगी 300, ठीक है। अब 300 यहाँ पर मिलेगी, बट आप जब बी प्लस पे देखोगे तो 1000 डाउनवर्ड मिलेगा, तो प्लस 300 और माइनस 1000, तो माइनस का आपको बी प्लस पे जब आप देखोगे तो माइनस का आपको मिलेगा 700, क्योंकि नेगेटिव में है तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेस हम लोग नेगेटिव ही एक्सेस पे खड़े हैं, ठीक है। अब सी पॉइंट पे देखिए आप, जब आप सी पॉइंट पे देखोगे तो सी पॉइंट पे आपको एक ही शेयर फोर्स डायग्राम मिलेगा क्योंकि वहां पर कोई भी लोड नहीं लग रहा है, तो सी इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिएगा 5100 अपवर्ड माइनस 1200 × 6 डाउनवर्ड, फिर माइनस 1000, तो कितना मिला माइनस 3100 निगेटिव का, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सी पर जाओगे तो भी आपको क्या जाना है, लीनियर ही जाना है, क्योंकि वहां बी से सी के बीच में भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, और वैल्यू कितनी मिलेगी आपको माइनस 3100, ओके 3100 न्यूटन। अब आप सी पे आ गए, अब जब आप सी से डी पे जाओगे तो कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, कोई भी लोड नहीं लग रहा, तो सी से डी के बीच में हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा शेयर फोर्स डायग्राम, और उसकी वैल्यू भी यही होगी माइनस 3100। अब देखिएगा जब डी से ई पे जाएंगे तो अब आपको देखिए क्या करना है,
ई पे जब आप खड़े होंगे तो आपको इधर के लोड जो मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे, प्लस एक छोटा ट्राइंगल ये कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो क्या चाहिए आपको, इस छोटे ट्राइंगल का एरिया, क्योंकि एरिया जब मिल जाएगा वही टोटल लोड होगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये छोटे ट्राइंगल से पहले हम सिमिलर ट्राइंगल लगाते हैं पूरा ट्राइंगल लेके। तो सिमिलर ट्राइंगल लगाओगे तो पहले ये बड़ा ट्राइंगल 900 अपॉन इनकी डिस्टेंस कितनी है 4 + 2 6 इक्वल टू, हम मान लेते हैं ये हाइट h है, तो जब आप h लोगे h अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 2 है, तो 2 × 3 = 6 3 × 3 = 9। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, हाइट आ गई कितनी आ गई 300, ठीक है 300 आ गई। अब हमें हाइट पता चल गई, बेस हमें पता है, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग ये स्मॉल ट्राइंगल मान रहे हैं तो एरिया ऑफ स्मॉल ट्राइंगल क्या होगा 1/2, बेस कितना है 2 मीटर है और हाइट कितनी है 300, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा तो हमारे पास 300 ही मिलेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा टोटल लोड। एरिया ऑफ दी लोड डायग्राम इज इक्वल टू दी टोटल लोड। ओके अब देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, अब हमें क्या निकालना है, ई पे निकालना है। जब आप ई पे देखोगे तो आप अपना लेफ्ट साइड देखो, तो अब सारे फोर्सेस कंसिडर करते हैं, आरए पे अपवर्ड जा रहा है कितना 5100 पॉजिटिव, बाकी सारे फोर्सेस डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो 1200 इनटू कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है 6 मीटर पे माइनस 1000 डाउनवर्ड, फिर माइनस ये कितना लग रहा है 300 डाउनवर्ड, तो माइनस 300 और कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा माइनस 3400। अब देखिए यहां पर आपको अपना डायग्राम चेंज करना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है पैराबोलिक, एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है क्यूबिक। ओके तो यहाँ से हमें कहाँ पर जाना है, पैराबोलिक के लिए जाना है इस तरीके से, थोड़ा पैराबोला बनाते हैं सर, और इसकी वैल्यू कितनी मिली माइनस 3400 न्यूटन। आप सॉल्व कर सकते हो खुद से भी। उसके बाद जब आप ई पे जाओगे तो ई पे, सॉरी ई पे तो हम लोग है ही, जब आप एफ पे जाओगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम जब आप एफ प्लस पे देख लो, एफ माइनस पे देख लो और एफ प्लस पे देख लो, तो सारी वैल्यू जब आप एफ प्लस पे देखोगे तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, माइनस पे भी कुछ नहीं मिलेगा, बट डायग्राम क्या होगा पैराबोला होगा। इस तरीके से शेयर फोर्स डायग्राम आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट शेयर फोर्स डायग्राम। ओके ये हमारे पास आ गया शेयर फोर्स डायग्राम। अब हमें क्या करना है, अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हम लोग कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखिएगा सारी वैल्यूज तो हमें पता ही है, तो हमें कुछ करना तो है नहीं, खाली मोमेंट लेते चलना है सारी सारी जगह पे। जब आप ए पे देखोगे तो ए पे सपोर्ट है, मोमेंट आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक। उसके बाद देखिएगा जब आप बी पे देखोगे, आप बी पे खड़े हो गए, आपने बी पे जब देखा तो 5100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 माइनस, जब आप ये देखोगे तो 1200 इंटू 4 ये हमारा हो गया टोटल लोड, और ये लगेगा कहां पे मिड पे यानी 2 मीटर पे लगेगा, तो कितना आ गया 10800। तो यहां से आपको कहां जाना है, यहां जाना है, बट आप कैसे जाओगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रोड है यानी आप पैराबोलिकली जाओगे, इस तरीके से आपको मिलेगा 10800, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही क्यों गए, क्योंकि ग्रेविटी रोड लग रहा है, जब एंटी ग्रेविटी रोड लगता तो हम लोग कैसे जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं इस तरीके से, बट इस तरीके से नहीं जाना है क्योंकि ये ग्रेविटी रोड है। ओके तो ये हमारा हो गया 10800। अब हमें किस पे निकालना है, सी पे निकालना है। जब आप सी पे खड़ोगे तो डिस्टेंसेस चेंज हो जाएगी, अब फिर से सी पे मोमेंट लो, लिख देते हैं यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट डी, हमने कितना निकाला 10800 न्यूटन मीटर। अब हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट एट पॉइंट सी, जब आप सी पे खड़ोगे तो 5100 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 माइनस फिर 1200 इंटू 6, और ये लगेगा कहाँ पे मिड पे लगेगा यानी 3 पे लगेगा, माइनस 1000 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1000 से कितनी है 2 है, तो कितना हो गया 7000। तो यहाँ पे सी पे हमारा कहाँ आ जाएगा, ये 10000 था तो 7000 कहीं यहीं पे होगा, और वो भी सी पे भी आप खड़े हो तो भी आपको पैराबोला ही चलना है, क्योंकि वहां से बी से सी की जो डिस्टेंस है वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की ही है। ओके कितनी वैल्यू आ गई 7000, ठीक है। अब आप डी पे देखो, डी पे आपको क्या मिलेगा, जब शेयर फोर्स डायग्राम कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे हमें लीनियर बनाना है, बट डी पे जाने पर
फिर से डिस्टेंसेस चेंज होगी, फिर से मोमेंट ले लो 5100 इंटू अपर पेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, डी पे आप खड़े हो 2 प्लस 2 4 4 8 माइनस कितना है 1200 इंटू कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है 6 पे, लगेगा कहां पे मिड पे यानी 3 प्लस 2 5 ओके, फिर माइनस 1000 इंटू कितनी डिस्टेंस है 2 प्लस 2 4 तो कितना आ गया 800, तो आपको कहां जाना है यहां से यहां जाना है 800 पे, यहां पे कहीं से मान लीजिए 800 मिलेगा बट आपको कैसे जाना है लीनियर ओके, तो यहां पर आप आ गए और आपको कितनी वैल्यू मिली 800 न्यूटन मीटर, तब सारी वैल्यूज जो है वो न्यूटन मीटर में आएंगे न्यूटन मीटर। अब आपको क्या करना ई पे देखना, जब आप ई पे देखोगे तो देखिए ई पे कैसे देखेंगे, सी पे जो मूवमेंट निकाला हम लोगों ने कितना निकाला, सी पे मूवमेंट निकाला 7000 न्यूटन मीटर, मोमेंट एट पॉइंट डी कितना निकला 800 न्यूटन मीटर। अब मैं आपको ई पे मूवमेंट निकाल के दिखाती हूँ, जब आप मूवमेंट एट पॉइंट ई देखोगे तो क्या मिलेगा आपको देखिएगा 5100 अपवर्ड 5100 अपवर्ड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 माइनस कितना लग रहा है 1200 इंटू 6 इंटू 6 इंटू कहां पे लगेगा मिड पे लगेगा यानी इधर से 3 डिस्टेंस मिलेगी 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7 माइनस 1000 इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आप ई पे खड़े हो 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6 माइनस। अब ये जो टोटल लोड है देखिएगा ये टोटल लोड हमने कितना निकाला है 300 न्यूटन, ये 300 न्यूटन बट ये लगेगा कहां पे यहां से एल बाई थ्री पे, क्योंकि यहां से जब आप देखते हो 2 एल बाई थ्री यहां से एल बाई थ्री, एल कितना है 2 है तो यानी 2 बाई थ्री, तो यहां से कितने पे लगेगा 2 बाई थ्री पे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोमेंट एट पॉइंट ई आपको कितना मिलेगा सॉल्व कर लीजिए 5100 इंटू 10 माइनस 1200 इंटू 6 इंटू 7 माइनस 6000 माइनस कितना आ जाएगा 100 यानी 200 तो कितना आ गया 5600 कितना आ गया माइनस का 5600 न्यूटन मीटर। तो ई पे आपको कितना मिला माइनस का मिला 5600 बट आपको कैसे चलना है क्यूबिक डायग्राम भी इसमें चल रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो यहाँ से आप डायरेक्टली चले जाओगे ये मिल जाएगा 5600 न्यूटन मीटर वहां पे वैल्यू मैंने लिख दी है। अब जब ई पे चलोगे सॉरी ई से एफ पे चलोगे तो आपको क्या मिलेगा फिर से आपको क्यूबिक चलना और ई पे जो मोमेंट एफ पे जो मोमेंट होगा वो जीरो होगा तो ये टोटल पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब आपको समझना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर देखिए कैसे समझेंगे जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख रहे हो तो देखिए ये पॉइंट है ए बी सी डी उसके बाद यहाँ पे मिला ई और ये मिला एफ। जब आप ए से बी चले तो बेंडिंग मोमेंट ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ने कोई भी साइन चेंज नहीं करा पॉजिटिव में ही चल रहा था फिर बी से सी में भी पॉजिटिव ही रहा सी से डी पर भी पॉजिटिव रहा मगर डी से ई पर जब आया तो यहाँ पे उसने क्या करा अपने साइन को चेंज करा पॉजिटिव से क्या आ गया निगेटिव पे तो यहाँ पर जहां पर बेंडिंग मोमेंट ने साइन चेंज करा है इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर यानी मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस इट्स नेचर और साइन इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। अब आपको क्या चाहिए ये वैल्यू चाहिए चाहे ए से डिस्टेंस चाहिए चाहे बी से डिस्टेंस चाहिए डी से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी ये निकल आएगा तो आप बता सकते हो किसी भी पॉइंट से आप बता सकते हो कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है देखिए ओके तो अब हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं कि कहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर एग्जिस्ट करेगा। देखिएगा हमने क्या करा हमने डायग्राम के थ्रू ये समझ लिया कि डी से ई के बीच में कहीं पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है तो हमने क्या करा एक सेक्शन ले लिया एक्सएस जिसकी डी से जो डिस्टेंस है वो है कितनी ठीक है। अब हमें क्या चाहिए ये छोटा जहां पर हमने एक्स सेक्शन लिया है वहां पे यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल आ रहा है इस ट्राइंगल की वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं फिर क्या करेंगे यहाँ पर देखिए मोमेंट जीरो हो रहा है ना तो इस सेक्शन पर मोमेंट निकाल के जीरो कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम बता सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर की वैल्यू कितनी होगी। देखिएगा जरा बस खाली यहाँ पर रिएक्शन फोर्सेस लिख देते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी
ए पे जो रिएक्शन निकला वो 5100 न्यूटन निकला और ई पे जो रिएक्शन निकला वो 5800 न्यूटन निकला, ठीक है। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल लगाइए, 900 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मान लेते हैं वाई डिस्टेंस है, वाई वर्टिकल डिस्टेंस है तो वाई बाई एक्स, तो यहाँ से जब आप हाइट देखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 2 6 3 3 9 यानी 150x, ये आपको y मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट एट पॉइंट x, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोमेंट जो है x पे क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। देखिए यहाँ तो मोमेंट जीरो हुआ था ना, मोमेंट ने साइन चेंज किया तो वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन हो गया था। अब यहाँ x एक्स सेक्शन पे खड़े हो जाएंगे, सबका मोमेंट ले लिए, a पे जब आप देखोगे तो 5100 * 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 4 + 2 6 + 2 8 8 + x, 4 + 2 6 + 2 8 8 + x, 2 + 2 4 + x, 4 + x माइनस, अब बचा क्या है, छोटा ट्रायंगल बचा, छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, पहले एरिया रखेंगे क्योंकि एरिया ही टोटल लोड होगा, 1/2 बेस कितना है x और हाइट कितनी निकाली है 150x * लगेगा कहां पर, जब आप यहां से देखोगे तो यहां से कितना, यहां से 2x/3 पे लगेगा, यहां से x/3 पे, तो ये हो गया x/3। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी, आपको मिलेगा 800 माइनस 3100x माइनस 25x³ इक्वल टू 0, ये आपको इक्वेशन मिलेगी। आप इस इक्वेशन को कैलकुलेटर से जब सॉल्व करोगे, आपके सामने सॉल्व करते हैं 25 0 3100, तो आपको जो x की वैल्यू मिली वो मिली 0.257, तीन वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, 0.128 और एक वैल्यू आपको मिली 0.128, तो ये दोनों निगेटिव वैल्यू आई, तो निगेटिव हम लोग नहीं लेंगे, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 0.257 मीटर। तो ये पॉइंट आ गया हमारा, जहां पर अब हम लोग बता सकते हैं क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन कहां से होगा, अगर ए से पूछता है फ्रॉम ए से तो क्या करेंगे, x के साथ 4 + 2 + 2 कर देंगे, क्योंकि d के बाद से यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन कहीं पर लाई कर रहा है, तो यहां पे d से ये जो पॉइंट हमने लिया है इसको कुछ नाम दे देते हैं, टी नाम दे देते हैं, तो डी से टी के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल ली, अब आप कहीं से भी इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, एएससी में भी पूछा जाता है, कन्वेंशनल में, गेट में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आई होप ये क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे मेल्स देखती हूँ, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच।